देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। और 7 ब्लॉकबस्टर्स बंद हो गई हैं, तुम्हारी वाली आखिरी बची है। अरे यार, ये गाड़ी तो नो एंट्री की तरफ जा रही है। हेलो, पिछले स्टोर में काम नहीं किया तो अगला टैरेंटिनो कैसे बनूंगा? हाँ, सब ऐसे ही तो बड़े डायरेक्टर बनते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि सब कुछ तो कंट्रोल में है। लगता तो नहीं है। फिल्मों के अपने किसी फेवरेट बॉस जैसा बनने का नाटक करो, जैसे बॉस बेबी या डेविल्स एडवोकेट। उनमें से एक बच्चा है और दूसरा खुद शैतान है, और वो मुश्किल हालातों के बावजूद कितना ऊपर पहुँचते हैं। सही है। टिमी का फोकस्ड होना, लगता है सब ठीक हो जाएगा। एविक्शन नोटिस? मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मैंने इस पर सैड स्माइली बना दिया। मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं यहाँ पर 7वीं क्लास से काम कर रहा हूँ। ये कोई इतराने वाली बात नहीं है। मुझे भी लगता है कि मैं मन से 40 से ऊपर की हूँ। पता नहीं तुम अकाउंटिंग में डिग्री क्यों कर रहे हो, हमेशा तो फिल्मों की बातें करते रहते हो। अकाउंटिंग भी नंबर्स के फिल्म बनाने जैसा ही। देखो, मेरी सुपर पावर भी कितनी पकाऊ है। पकाऊ तो तुम्हारी लाइफ होगी जब ये सुपर पावर तुम्हारा पेशा बने। और अब मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है जबकि मैं कितनी क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर का किराया अकेले देना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने पति एरन को 25 साल की लड़की के साथ देखा जिसका नाम भी एरन था। एक ही राशि के हैं? मुझे नहीं पता, पर ये सच है। मेरे पास जो भी था वो मैंने इस मनहूस स्टोर में लगा दिया, क्योंकि यही एक जगह है जो मुझे मेरी अपनी सी लगती थी। ब्लॉकबस्टर जिंदाबाद। तुम शायद भूल रहे हो, मुझे पता है तुम एलाइजा को पसंद करते हो। क्या तुमने कोई इशारे या हरकतें देखी हैं कि मैं उसे पसंद? कितना मजा आ रहा है। हमें एक और ड्रिंक की जरूरत है। तू एक बिजनेस ओनर है, ना ही तेरे 6 पैक है और ना कोई फैमिली पैक। यार, तेरे लिए यही तो है सही उम्र। हाँ, ऐसी कामयाब लाइफ जीकर तुम्हें कैसा लग रहा है? इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये तेरी ले रही है। ओ, ये ताना था, हंसने वाला था तू। हद होती है।